नमस्कार, मेरे पिता मिनिस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। राज ठाकरे ने कहा, तभी मोदी ने पाक के साथ चर्चाओं का अवसर नहीं गंवाना चाहिए। पाकिस्तानी विमानों ने बुधवार को भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। भारत ने इसके साथ समान रूप से प्रक्रिया दी है पाकिस्तानी विमानों का अपहरण। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद मंच से अध्यक्ष राज ठाकरे ने पाकिस्तान के अलावा अगर चर्चा के लिए तैयार है तो उन्हें पहले पायलट को छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान चर्चा के लिए तैयार है तो पाकिस्तान को अपना पहला कदम उठाना चाहिए। गुरुवार को राज ठाकरे ने एक पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। राज ठाकरे ने पत्र में कहा कि मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से रोड मैप लेने के लिए अपील करने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने आतंकवादी के हमले के बाद भी पुलवामा के लोगों से अपील की है। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा हमला आवश्यक था। मैंने भारतीय वायुसेना को भी इस पर बधाई दी। इमरान खान ने फिर बातचीत के लिए बुलाया है और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद से सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयारी की है। अटल जी ने साथ ही सीमा से लाहौर तक बस सेवाएं शुरू की, समझौता एक्सप्रेसवे शुरू। बाद में राज ठाकरे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बात करने का अवसर नहीं देना चाहिए। यदि पाकिस्तान प्रस्ताव में इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो उसे पहला कदम उठाना चाहिए। उन्हें तुरंत तीर्थ यात्रियों को बधाई छोड़नी चाहिए और सीमा पर गोलीबारी को जल्द से जल्द रोकना चाहिए। अगर ये चीजें होती है तो यह कहा जा सकता है कि इमरान खान का उद्देश्य स्पष्ट है, और अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवसर को नहीं खोना चाहिए, राज ठाकरे ने यह कहा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्लेसो से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।